नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो एमफिल पीएचडी में इंटरेस्टेड रखते हैं और वो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए, हमारा चैनल बेस्ट है यूजीसी नेट के लिए और हायर एजुकेशन के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट का रहेगा, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने अभी JRF या UGC नेट क्वालिफाई किया है उनके लिए बहुत ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट का ये न्यूज़ है, और जिन्होंने नहीं किया है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेट क्वालिफाई करते हैं आप या JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए इन फ्यूचर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखेगा। तो चलिए आप जान लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि UGC ने ये कह दिया है कि अब PhD और MPhil के एडमिशन में इंटरव्यू एकदम हटा दिया गया है, एकदम ड्रॉप कर दिया गया है, एकदम कट एंड क्लियर आप जान लीजिए। कोई अब आपको संभावना नहीं रखनी है कि इंटरव्यू आपका होगा, बिल्कुल नहीं, इंटरव्यू एकदम हटा दिया गया है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे छात्र इसका विरोध कर रहे थे कि जो थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से दे लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कहीं वो गांव से बिलोंग करते हैं या कहीं ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जो काफ़ी उनका पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, तो वो इंटरव्यू में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, सहमे, अनसुलझे हुए, डरे हुए, या किसी भी कारण की वजह से थोड़ा सा उनका इंटरव्यू बहुत बुरा चल जाता है, या इंटरव्यू में ज़्यादातर पार्शियलिटी भी होती थी। तो छात्रों के विरोध के कारण UGC ने अपना ये डिसीजन लिया है कि अब PhD MPhil के एडमिशन में इंटरव्यू को एकदम हटा दिया गया है, यानी कि अब आपके लिखित परीक्षा जो होती है उसके माध्यम से ही आपको चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और एडमिशन के लिए आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, UGC ने कहा क्या है, ये आधिकारिक उनका ऑफिशियल जो है बातें जान लीजिए। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने PhD और MPhil कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए एक नया नियम जारी किया है, नॉर्म्स जारी किया है। यह एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दें, पहले PhD और MPhil कोर्सेज में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पास करने के बाद ही एडमिशन दिया जाता था, लेकिन अब UGC ने इंटरव्यू हटा दिया। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है UGC पहले आपको हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए नॉर्म्स रखता था कि आपको इंटरव्यू प्लस आपको एग्ज़ाम दोनों देना पड़ता था, और 2016 में आपको बता दें UGC ने रेगुलेशन के तहत PhD और MPhil में एडमिशन के लिए 70% अंक लिखित परीक्षा और एग्ज़ाम के 30% रखे थे, यानी 100% में आपको 70% और 30% ये डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 70% आपका लिखित परीक्षा और 30% आपका इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू को हटा दिया गया। वहीं इंटरव्यू हटा जाने के बाद साफ़ है कि एडमिशन ओनली लिखित परीक्षा पे ही होगा और इसके आधार पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, जान लीजिए कि देखिए UGC ने किसको किसको यहाँ पे कैसे कैटेगरी वाइज छूट दी है। UGC ने SC ST OBC के छात्रों के लिए 5% अंकों की छूट दी है, और इसी के साथ जनरल कैटेगरी के छात्रों को 50% अंक लाने होंगे और रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 45% यानी 45% अंक लाने होंगे, जिनके बाद PhD में या MPhil में एडमिशन दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक और कंडीशन रख दिया गया है कि आपको 50% नंबर लाने हैं, जो कि PhD का आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको लिखित परीक्षा में 50% नंबर लाने हैं जनरल के स्टूडेंट को, और देखिए 45% लाना है मिनिमम, उसके ऊपर जब आप आएंगे तभी आपका मेरिट या जो भी चीज़ चयन में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो वो 45% है ST और OBC के लिए, यानी कि 5% डाउन रखा गया है जनरल वालों से। और देखिए, पहले सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर मिलता था एडमिशन। तो देखिए, 2016 में रेगुलेशन की जिस प्रक्रिया को अपनाया गया था, इसमें छात्रों को एडमिशन लेने के लिए पहले लिखित परीक्षा देनी होती थी, जिसमें 50% मार्क्स लेने के बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई बंदा हो जाता था। वहीं अंत में एडमिशन में सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही एडमिशन कर दिया गया था। आपको बता दें, UGC की ओर से यह जारी नियम का पालन सभी यूनिवर्सिटी को करना होगा। तो यानी आप जान लीजिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो भी यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो,
आपको बता दें कि यूजीसी की ये नॉर्म्स का पालन उनको बिल्कुल करना है। तो आप क्लियर कट जान लीजिए, अब इंटरव्यू ख़त्म हो गया, आपका आ गया सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा प्लस 50 से 45 का क्वालिफाइंग उसका आपका क्राइटेरिया बना दिया गया है जिसके माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा, सॉरी एडमिशन होगा। और देखिए कि यूजीसी ने फैसला एससी एसटी ओबीसी के कैटेगरी के छात्रों के विरोध के बारे किया है। उन छात्रों का मानना था कि सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर एडमिशन की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो देखिए ये छात्रों के विरोध के बाद ये नॉर्म्स यूजीसी ने लाया है, तो हमें लगता है कि ये सराहनीय कदम है, कोई बुरा नहीं है। हर स्टूडेंट के लिए बराबर का हक मिलना चाहिए, होना चाहिए, उनके लिए पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल श्योर हो गए होंगे कि अब पीएचडी में आपका एडमिशन जो लेना है वो सिर्फ और सिर्फ आपके थ्योरी बेस पे होगा। तो आप थ्योरी बेस अच्छे से तैयार करिए, और एक फोबिया ख़त्म हो गया जो कि आपको था कि इंटरव्यू का, बिल्कुल फ्रेंड इंटरव्यू का फोबिया तो रहता ही है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, बहुत डिस्टर्बिंग होता है। हमने भी इंटरव्यू फेस किया है, बिल्कुल वो पता है परिस्थितियाँ कैसी हो जाती हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठा दिया जाएगा और उनके हिसाब से उनके अंदर क्या चल रहा है, वो एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं कि आपके तरफ से कौन सा आंसर आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो तुरंत ही आपका वहाँ पे चैन डिस्क्लोज हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है वहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, यही मेरा इस वीडियो का पर्पज़ था। तो जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल।